फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट उसे वायरल कर सकते हो और किस तरीके से आप हैशटैग का यूज़ करके अपनी पोस्ट को वायरल कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है हैशटैग मैनेजर। बाद गाइस आपको ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल में। तो जैसे कि दोस्तों, ये मेरा मोबाइल में अपने पहले से ही डाउनलोड हुई हुई है, तो इसके बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद तो गाइस हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, तो इसके बाद आपको ये ऐड आपको यहाँ पर कट कर देना है। तो इसके बाद गाइस हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे की ओर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पे इसे डिस्कवर पर आपको क्लिक कर देना है। तो इंस्टाग्राम के जो ट्रेंडिंग में टैग चल रहे होंगे वे यहाँ पर शो कर देंगे, जिस रिलेटेड आपकी जो पोस्ट होगी इंस्टाग्राम की, तो उस रिलेटेड ही आप अपने यहाँ से टैग सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे गाइस मैं अपना टैग यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ टैग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों, हमें फोटोशूट पर हमें कुछ टैग यूज़ कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं ये। तो इसके बाद हमारे जो जिस तरीके की भी आपकी पोस्ट होगी वो आपको यहाँ पर कर लेना है। जैसे कि दोस्तों, ट्रेंडिंग में ये जो हैशटैग है वे यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इसके बाद आप पॉपुलर टैग पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी पॉपुलर टैग होंगे वे यहाँ पर शो कर देगा। तो आपको यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि लाइक फॉर लाइक, तो आपको ये टैग कुछ यूज़ कर लेना है जिससे आपकी पोस्ट पर लाइक भी आ जाएगी, बात आपकी जो वीडियो है वो या आपकी जो पोस्ट है वो वायरल हो जाएगी। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर कुछ टैग यूज़ कर लेना है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर न्यू टैग भी दिख शो कर रहा है यहाँ पर, तो कैसे आपको न्यू टैग यूज़ नहीं करने हैं अपनी पोस्ट के स्टार्टिंग में, तो आप सिंपली आपको अपने ट्रेंडिंग टैग ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने पॉपुलर टैग भी यहाँ से ले सकते हैं, कर लेना है कुछ अपने टैग अपने पोस्ट के रिलेटेड। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर आ जाना है टॉप टैग पर, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो टॉप टैग्स हैं वे यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर टॉप टैग्स में से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद गाइज आपको ट्रेंडिंग टैग में से भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि डेली के जो हमारे इस टैग के जो भी हैं दोस्तों व्यूज़ हैं, वे इस तरीके से भी यहाँ पर सर्चेबल में आते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर 6.32K में आपको यहाँ पर सर्चेबल दिख रहा है यहाँ पर ये। तो इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने पोस्ट पर ये अप्लाई हुआ है या कितने पोस्ट पर ये टैग यूज़ किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो इसके बाद गाइज आपको यहाँ से इस तरीके से आपको अपने जो टॉप टैग्स हैं वे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो ट्रेंडिंग के टैग्स हैं वे भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद जैसे गाइज आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता है, तो आपको यहाँ पर हैशटैग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर हैशटैग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, तो गाइज वो आपको यहाँ पर सारे शो कर देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको अपनी इंस्टाग्राम ओपन कर लेनी है। जिस भी आप इंस्टाग्राम की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेनी है। तो इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद तो गाइज आपको सिंपली अपनी पोस्ट पर आ जाना है, या तो गाइज आप अपनी पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने कोई न्यू पोस्ट अपलोड करते हैं तो उसके बाद उस पर भी आपने यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको अपनी ओल्ड पोस्ट पर अपने यूज़ करके दिखाऊंगा। तो इसके बाद आपको अपने पोस्ट पर क्लिक कर देना है। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद तो सिंपली आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है, आपको एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद तो गाइज आपको यहाँ पर ये सारे अपने जो टैग से भी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इसके बाद गाइज आपको इसे पेस्ट करने के बाद तो आपको यहाँ पर सिंपली डन कर देना है, आपको ये सेव कर देने हैं। तो इसके बाद गाइज आपका जो अपने जो टैग लगाए थे वे आपके यहाँ पर सेव हो चुके हैं। तो इसके बाद गाइज आपने रिफ्रेश करके देखोगे तो आपके जो पोस्ट है वो वायरल होने के चांस हो जाते हैं। तो गाइज आपके जो आपका मोर उस पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है मोर पर। तो इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे टैग है वे यहाँ पर लगे हुए हैं, किस तरीके से आपको ये शो कर रहे हैं। ऐसे ही गाइज आप अपनी जो पोस्ट है वो वायरल कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो आप उसे बूस्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो करते हैं समाप्त, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।